फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं अंजीर खाने के बेमिसाल फायदे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंजीर के बारे में तो जानते हैं लेकिन इसका सेवन कभी कभार करते हैं, कभी कभार करने से इसके फायदे नहीं ले पाते। दोस्तों, जो लोग इसके फायदे नहीं जानते और कभी कभार स्वाद के तौर पर ही सिर्फ इसे खाते हैं, तो आप इसे रोजाना जरूर खाइए और इसके बेनिफिट लीजिए। दोस्तों, भयंकर से भयंकर बीमारियां इस अंजीर के सेवन से दूर हो सकती हैं, लेकिन इसे खाने का तरीका पता होना चाहिए और आपको जरूर मालूम होना चाहिए कि इसे खाने से आपको क्या फायदे मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? जब शरीर के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, खून साफ नहीं हो पाता, पोटेशियम कम हो जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, यह समस्या हो जाती है। इसे दूर करने के लिए अंजीर खाना बहुत फायदेमंद है। अगर आपकी आंतें अच्छे से काम नहीं कर रही, आंतों में मल जो है वो सख्त होकर जम चुका है, यानी आपको कब्ज की समस्या हो चुकी है, तो भी आपको अंजीर जरूर खानी है। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान के शरीर में एनीमिया यानी खून की कमी हो चुकी है, एनीमिया की शिकायत हो चुकी है, फिर भी आपको अंजीर खाना बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, अंजीर के अंदर मैग्नीशियम होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन B1, B2, कैल्शियम, पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अंदर कैल्शियम होने के कारण ये हमारी हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, हड्डियों को मजबूती देता है। चाहे बच्चे हैं, युवा हैं या बुजुर्ग हैं, सभी लोग, सभी उम्र के लोग इस अंजीर का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सबके लिए थोड़ा तरीका अलग अलग होता है। क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो एज ए ड्राई फ्रूट अंजीर को नहीं खा सकते, क्योंकि अंजीर के अंदर मिठास काफी होती है, तो आप इसे भिगोकर खाइए। दोस्तों, चलिए जानते हैं आपने अंजीर को कैसे खाना है, किस किस बीमारी में इसे लेना फायदेमंद है और इसे आप दूध के साथ लें, एज ए ड्राई फ्रूट लें या पानी में भिगोकर लें। दोस्तों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस अंजीर का सेवन आप 3 रूपों में कर सकते हैं। आप चाहें तो सूखी अंजीर खा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप अंजीर को पानी में भिगोकर और सुबह इसका सेवन कर सकते हैं। और तीसरा, आप अंजीर को दूध में उबाल कर ले सकते हैं। अंजीर का सेवन करने से वात, पित्त और कफ, ये तीनों धातु बैलेंस में हो जाते हैं। वात के जितने भी रोग हैं, कंधे में दर्द होना, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द होना, इस अंजीर का सेवन करने से वो संतुलित हो जाता है। वात के रोगों को दूर करने के लिए आप अंजीर को ऐसे ही सूखा खा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी इंसान को कफ धातु शरीर में बढ़ता है, यानी बलगम छाती में ज्यादा बनती है, तो उसको भी अंजीर का सेवन जरूर करना चाहिए, उसे ऐसे ही सूखी अंजीर का सेवन करना चाहिए। और तीसरा, यानी पित्त धातु अगर शरीर के अंदर बढ़ता है, एसिडिटी ज्यादा बनती है, पेट में, सीने में जलन होती है, तो उनको हमेशा ही अंजीर का सेवन पानी में भिगोकर और सुबह करना चाहिए। और सर्दी और गर्मी के हिसाब से इसे अलग अलग तरीकों से लिया जाता है, जैसे कि सर्दियों के दिनों में इसे एज ए ड्राई फ्रूट खाया जाता है, गर्मियों के दिनों में इसे पानी में भिगोकर और सुबह इसका सेवन किया जाता है, और जो दूध में उबालकर है, अगर आपका वजन बहुत कम है या फिर आपके अंदर स्टेमिना बिल्कुल कम है, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, जैसे कि काम करने के बाद तो हर एक इंसान थक जाता है, लेकिन अगर आप रेस्ट करने के बाद यानी आराम करने के बाद आप जब उठते हैं, तब भी आपको पिंडलियों में दर्द होना, थकान और कमजोरी महसूस होना और किसी काम को करने का मन नहीं करता, ये फीलिंग्स आपके अंदर आती है, तो आपको अंजीर का सेवन रात को सोते टाइम दूध में उबाल कर करना चाहिए। दोस्तों, इस अंजीर के अंदर काफी अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, चाहे वो दूध में उबल जाए या पानी में भीग जाए। अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है या फिर आपको पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आपको अंजीर का सेवन जरूर करना है। इसके अलावा आजकल दिल की बीमारियां बहुत हो रही हैं, और अगर आप भी दिल की बीमारी को फेस कर रहे हैं, तो अंजीर का सेवन आप पानी में भिगोकर जरूर करिए, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में हो जाते हैं। जब ये अंजीर भीग जाती है, ये हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचा कर रखती है, शरीर की कोशिकाओं को स्ट्रांग बनाती है और दिल को स्वस्थ बनाने का काम करती है। रात को 2 अंजीर भिगो दीजिए और सुबह आप इसका सेवन कर लीजिए, इसके साथ इसका पानी भी पी लीजिए। दोस्तों, भिगी हुई अंजीर हो या वैसे अंजीर हो, क्योंकि गर्मियों के दिनों में भिगोकर खाइए और सर्दियों के दिनों में इसे ऐसे ही खाइए, तो इनके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हमारे शरीर की वो रिक्वायरमेंट यानी कि हड्डियों को मजबूत बनाने की जो प्रोसीजर है, उसको तेज कर देता है। आपको लीवर से संबंधित कोई भी समस्या है, फैटी लीवर की समस्या है या लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, लीवर की कार्य क्षमता कमजोर पड़ चुकी है, तो आपको हमेशा ही अंजीर का सेवन पानी में भिगोकर करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई इंसान बवासीर से पीड़ित है, बवासीर की समस्या हो चुकी है, आपको दर्द और ब्लड
ये समस्या बहुत ज्यादा हो रही है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, हमेशा ही सर्दी हो या गर्मी हो, आपने अंजीर का सेवन पानी में भिगोकर ही करना है। इसके दूसरी तरफ अगर कोई इंसान अपने वजन को घटाना चाहता है तो वो अंजीर का सेवन कैसे करे, तो उस इंसान ने हमेशा ही अंजीर को पानी में भिगोकर और सेवन करना है। अब डायबिटिक पेशेंट के मन में ये आएगा, क्या हम अंजीर का सेवन कर सकते हैं? तो आप कभी कभार एक आध अंजीर को पानी में भिगोकर सेवन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए इसका सेवन नहीं करें कि इसके अंदर शुगर की अच्छी मात्रा होती है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।